सब्सक्राइब कीजिए पासी चैंप चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए। अबॉर्शन किट लेने के बाद आपको कौन कौन से साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, यही इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो वेलकम बैक गाइस टू पासी चैंप चैनल, और बिना किसी डिले के आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, अगर आप कोई भी अबॉर्शन किट लेते हो, चाहे वो अनवांटेड किट हो या फिर मेफेजेस्ट किट हो या फिर एमटीपी किट हो या फिर खुशी के किट हो, इन टैबलेट्स के अंदर आपको 5 टैबलेट मिलती है। पहली टैबलेट मिफेप्रिस्टोन की होती है, जो कि प्रोजेस्टेरोन, जो कि बॉडी का एक नेचुरल हार्मोन होता है प्रेगनेंसी को बनाए रखने का, ये उसको ब्लॉक कर देती है। अगली जो टैबलेट है मिजोप्रोस्टोल, ये आपकी यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन पैदा करती है और जो प्रेगनेंसी का मटेरियल होता है अंदर वो एक्सपेल आउट हो जाता है, इतनी ज़्यादा ये कॉन्ट्रैक्शन पैदा करती है। तो जब आप इस किट की पहली टैबलेट को लेते हो मिफेप्रिस्टोन को, तो ये आपके शरीर में काम करती है। बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि किसी फीमेल को लाइट एब्डोमन पेन हो, लाइट ब्लीडिंग हो या फिर नोजिया वोमिटिंग हो, बहुत ही रेयर है, 100 में से 1% फीमेल को देखने को मिलता है। लेकिन अगर इस टैबलेट को लेने पर आपको हैवी ब्लीडिंग हो जाती है या फिर आपको हैवी एब्डोमन क्रैम्प्स हो रहे हैं, नोजिया वोमिटिंग, डायरिया हो रहा है या फिर आपको चक्कर आ रहे हैं, थकान महसूस हो रही है, हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, चलने में मुश्किल हो रही है या फिर आपको टैकीकार्डिया है या फिर आपको स्किन रैशेज हो गए हैं, लाल चटक्के निकल गए हैं आपके शरीर पर, या फिर अगर आपकी जो हार्ट बीट है वो काफ़ी तेज़ हो गई है, आपको लग रहा है कि आपका दिल काफ़ी ज़ोरों से धड़क रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इस टैबलेट ने आपको साइड इफ़ेक्ट किया है। ओके, अगली जो मिजोप्रोस्टोल टैबलेट है ये आपकी यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन पैदा करती है, और इस टैबलेट को लेने के बाद जो आपका गर्भपात का प्रोसेस था वो शुरू हो जाता है। और जो मिजोप्रोस्टोल टैबलेट है, इस टैबलेट को लेने के बाद आपको हैवी ब्लीडिंग के साथ एब्डोमन क्रैम्प्स शुरू होते हैं, साथ ही नोजिया वोमिटिंग शुरू होता है, साथ ही डिजीनेस, बैक एक, लोअर एब्डोमन पेन भी हो जाता है। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये टैबलेट अपना काम कर रही होती है, ठीक है। इस टैबलेट को लेने के 30 से 4 घंटे के बीच में आपको हैवी ब्लीडिंग के साथ एब्डोमन क्रैम्प्स आएंगे, और इस समय में आपको घबराना नहीं है। अगर ये हैवी ब्लीडिंग और एब्डोमन क्रैम्प्स अगर आपको 24 घंटे तक रहते हैं और 24 घंटे के बाद भी रहते हैं, तो ये माना जाता है कि इस टैबलेट ने आपको साइड इफ़ेक्ट किया है। ओके, अगर 24 घंटे के बाद में ये धीरे धीरे कम होते हैं और 10 दिन तक ये बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, तो ठीक है, ये किट अपना काम कर चुकी है और जिस पर्पज़ के लिए आपने ये किट लिया था वो पर्पज़ पूरा हो गया है। लेकिन अगर आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है, नोजिया वोमिटिंग हो रहा है, डायरिया हुआ है और जो एब्डोमन क्रैम्प्स थे वो भी लगातार हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इस टैबलेट ने आपको रिएक्शन किया है और साइड इफ़ेक्ट किया है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि हैवी ब्लीडिंग कितनी होती है। तो गाइस देखिए, अगर आपको 1 घंटे में 2 पैड से ज़्यादा यूज़ करने पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको हैवी ब्लीडिंग है। एब्डोमन क्रैम्प्स, कितने एब्डोमन क्रैम्प्स यहाँ पर, कितने एब्डोमन क्रैम्प्स की बात हो रही है। तो गाइस देखिए, अगर आप कोई पेन किलर खा रहे हो और पेन किलर खाने के बाद भी अगर आपको एब्डोमन क्रैम्प्स लगातार आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इस टैबलेट ने आपको साइड इफ़ेक्ट किया है। अगला है कि 24 घंटे के बाद भी अगर आपको नोजिया, वोमिटिंग और डायरिया हो रहा है, तो कैसे जाने कि इस टैबलेट ने साइड इफ़ेक्ट किया है। तो गाइस देखिए, इस टैबलेट को लेने के बाद 24 घंटे से पहले अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 24 घंटे के बाद इस टैबलेट का जो असर है ना, ये आपके शरीर के ब्लड स्ट्रीम में 24 घंटे तक ही रहती है। 24 घंटे के बाद शरीर इसको एक्सपेल आउट कर देता है, वॉश आउट कर देता है, तो इस टैबलेट का जो असर है वो ख़त्म हो जाता है। स्टिल अगर आपको सेम प्रॉब्लम रहती है इस टैबलेट को लेने पर, तो इसका मतलब ये है कि इस टैबलेट ने आपको साइड इफ़ेक्ट किया है, जिसके चलते आपको किसी नज़दीकी हॉस्पिटल में जाना है या फिर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। ओके, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल और बेनिफिट रखती होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो गाइस, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।